और देखिए 19 अप्रैल को पहले चरण में 12 सीटों पर हुए चुनाव में 6% मतदान कम होने से कई सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। विश्लेषक, कांग्रेस और बीजेपी नेता इस कम वोटिंग को लेकर गुणा भाग में जुटे हुए हैं। किसको फायदा किसको नुकसान हुआ इसका आकलन कर रहे हैं। लिहाजा हम भी विधानसभा वार सीटों के मतदान प्रतिशत के आंकड़ों के जरिए इस पहेली को समझने की चलिए कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि 12 लोकसभा सीटों के अंतर्गत टोटल 96 विधानसभा सीटें आती हैं, यानी कि हर लोकसभा सीट पर 8 विधानसभा सीटों के वोटर्स वोट डालते हैं। मतदान प्रतिशत कम होने के कई कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मतदान में गिरावट क्या गुल खिलाएगा, कौन सी पार्टी को इसका फायदा और नुकसान होगा, ये तो अब 4 जून को ही नतीजे ही बताएंगे। तो आप क्या गुणागणित लगाए जा रहे हैं विश्लेषकों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से, वो भी आप समझ लीजिए ग्राफिक्स के माध्यम से।